चश्मा नहीं देते हैं, पैसे देते हैं, सही सही दाना भाई के नहीं देते, अनाज वगैरह नहीं देते। तो ये मतलब कि ये भाई की फसल है, गेहूँ भाई का है, तो ये देखते हो इस तरह से सेटअप बनाते हैं। तो बैक माय यूट्यूब चैनल, स्वागत है मनोहर एक ब्लॉग में। आशा करता हूँ सभी फ्रेंड ठीक होंगे। तो आज भाइयों को दिखाएंगे जो कि यहाँ पर गंदम की फसल। तो गाइज वीडियो में बने रहना, वीडियो स्किप मत करना, वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो गाइज पीछे मेरे देख सकते हो गंदम की फसल है, जो कि हमारी लैंग्वेज में इसे कनक भी कहा जाता है और गंदम भी और गेहूं भी। तो गाइज वीडियो में बने रहना। फ्रेंड्स ये है मतलब के दाने जो कि मशीन से निकल रहे हैं। तो ये है कुछ भूसा जो जिसे तुड़ी हम कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये देख तो इस तरह से हमारी यहाँ पर गेहूँ की फसल होती है। तो ये ज़बरदस्त लुक है यहाँ का। तो ये थ्रेशर है कुछ दाने निकालने वाली। बात की जाए तो ये मतलब के थब्बे वगैरह बांधे हुए हैं जो कि यहाँ पर स्टे किए हुए हैं। तो गाइज ये मतलब इस तरह से सेटअप बनाते हैं जो कि अभी यहाँ पर इकट्ठे कर रहे हैं। तो जब यहाँ पर थ्रेशर आएगी तो यहाँ पर निकलेंगे। तो इन भाई से आपको मिलवाते हैं। तो भाई राम राम। तो भाई राम राम। और भाई कैसे हो, आपका नाम क्या है भाई? अनिल कुमार भाई का नाम है। तो भाई ये फसल आपकी है, तो मतलब कि यहाँ पर क्या रेट चाल है गंदम का? तो हमारे हिंदू भाई कैसे काम करते हैं, क्या रेट चाल रहा है? गंदम का रेट चाल रहा है ढाई मन। सही सही भाई कह रहे हैं, जो हाथ से काटी जाती है गंदम उसका ढाई मन चल रहा है। तो मतलब कि जो लेपर से यहाँ पर ट्रैक्टर वगैरह काटते हैं तो उनका क्या रेट है? उनका रेट 2000। सही सही 2000 मतलब उसके मतलब के मनी देते हैं, पैसे देते हैं। सही सही दाना भाई के नहीं देते, अनाज वगैरह नहीं देते। तो ये मतलब कि ये भाई की फसल है, गेहूँ भाई का है। तो ये देखते हो इस तरह से सेटअप बनाते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो में बने रहना। इस तरह से हमारे पाकिस्तान में हिंदू भाई गंदम का मतलब के काम करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी तो यहाँ पर गंदम का सीज़न चल रहा है, जो कि यहाँ पर हमारे कोई जायदाद वगैरह नहीं है। तो गाइस यहाँ पर मन के हिसाब से गंदम काटी जाती है। तो जो हमारे हिंदू भाई मतलब के मन के हिसाब से 2 मन अभी यहाँ पर रेट चल रहा है। तो गाइस तो यहाँ पर अभी वो काटते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखते हो पीछे अभी ये गंदम तो काटी हुई है। तो फ्रेंड्स ये देखते हो ये गंदम है जो कि अभी यहाँ पर काटने का इरादा है मतलब के सेठ का। तो गाइस ये है गंदम जो कि ये देखते हो बहुत ही नाइस तरीके से गंदम है। तो फ्रेंड्स इस तरह से गंदम होती है। तो ये देखते हो बहुत ही मतलब के अच्छे तरीके से फ्रेंड्स। तो गाइस ये है मतलब के गंदम। तो गाइस ये देख सकते हो बहुत ही मतलब के अच्छे तरीके से गंदम मतलब के काटते हैं। तो ये मतलब के रस्सी को सेंटर में डालकर तो थब्बे वगैरह बांधे जाते हैं। तो गाइस तो ये देख सकते हो काफ़ी यहाँ पर थब्बे गंदम के बांधे हुए। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हो इस तरह से गंदम के थब्बे वगैरह बांधे जाते हैं। तो गाइस तो वो थ्रेशर चल रही है, वो देख सकते हो वहाँ पर दूर में। तो गाइस इस तरह से यहाँ पर अड्डा लगा कर तो गाइस यहाँ पर मतलब के मशीन को लगा कर तो गंदम कटाई जाए। तो गाइस ये देख तो इस तरह से थब्बे वगैरह लगाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरफ बात की जाए तो मतलब कि ये मालकों से मजदूर रहते हैं, रेट तय करते हैं। तो गाइस इस तरह से काटी जाती है जो कि दात्री से। तो गाइस इस तरह से थब्बे वगैरह बनाए जाते हैं। तो काफ़ी यहाँ पर गंदम वगैरह काटी हुई है। तो सुबह मज़दूर यहाँ पर आएंगे तो इस तरह से मतलब के काटेंगे। तो गाइस ये इस तरह से कनक काटी जाती है गंदम। तो गाइस ये देख सकते हो। तो इस तरह से मतलब के थब्बे उठाए जाते हैं फ्रेंड्स। ये देख तो इस तरह का मतलब के व्यू है जो कि ये मतलब के भाई आ रहे हैं थब्बा मतलब के डालने के लिए। तो फ्रेंड्स ये देख तो इस तरह से थब्बे उठाए जाते हैं और डाले भी जाते हैं। तो भाई मतलब के ये देख तो थब्बा भी डाल दिया है। तो गाइस ये देख तो इस तरह का मतलब के गंदम का व्यू होता है, बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त। गाइस बहुत ही हार्ड वर्किंग काम है। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हो इस तरह से काटा भी जाता है फ्रेंड्स। तो वो देखते हो वो थ्रेशर जल रही है फ्रेंड्स। तो ये देखते हो बुला।
जो कि फ्रेंड्स इस तरफ से देख सो पाकिस्तान में कुछ इस तरह से यानी कि गंदम वगैरह को काटा जाता है। देख सो सीधी लाइनों के साथ यहाँ पे मशीन के जरिए गंदम को काटा जा रहा है। तो इस तरह से देख सो कुछ गाड़ी वगैरह चल रही है, तो इस तरह से हमारे हिंदू भाई भी कुछ खड़े हुए हैं जो कि गंदम वगैरह कटा रहे हैं। तो यानी कि हमारे हिंदू भाई के अपने खेत वगैरह तो नहीं, तो इसलिए वो मजदूरी पर गंदम वगैरह काटते हैं। तो इसलिए देख सो गाड़ी वगैरह चल रही है, तो देख सकते हो। तो इस तरफ से देख सकते हो बहुत इसी दो लाइनों के साथ यानी कि गंदम को काट के रखा हुआ है, तो देख सकते हो। तो फ्रेंड्स ये होती है गाड़ी जिससे यानी कि गंदम वगैरह काटी जाती है। तो चल के आप भाई को भी दिखाते हैं, तो आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स इस तरह से गंदम वगैरह काटी जा रही है, तो देख सकते हो आप। तो बहुत ही धूल वगैरह उड़ रही है क्योंकि ये गंदम वगैरह काटेंगे मशीन के जरिए काटी जा रही है, तो आप देख सकते हो। तो पाकिस्तान में इस तरह से ज़्यादातर गंदम को काटा जाता है ट्रैक्टर के ज़रिए। तो देख सकते हो जो कि अभी ये गंदम काट रहे हैं, तो अभी भाई आगे जा रहे हैं। तो इस तरह से देख सकते हो सीधी लाइनों के साथ। फ्रेंड्स ये देखते हो, ये अभी हमारे एक व्लॉगर भाई हैं, तो इनसे मिलवाते हैं। और मतलब के तो भाई राम राम। जय श्री राम भाई। और भाई कैसे हो? ठीक हूं। आप कैसे हो? आपका भाई नाम क्या है? मेरा नाम है गुलशन शर्मा। तो भाई इसका भी चैनल बना हुआ है, तो भाई मतलब के यहाँ पर गंदम की क्या कटाई चल रही है, क्या प्राइस है, तो हमारे हिंदू भाई कैसे मतलब के रेट मालकों से तय करते हैं? तो फ्रेंड्स अगर बात की जाए जो कि यहाँ पे गंदम वगैरह आते हैं, तो उसका रेट वगैरह होता है जो कि हाथ से काटने वाली गंदम होते हैं। जी जी जी। होते हैं दाने जी जी, जो कि मशीन के जरिए जो कि काटी जाती है गंदम, उसको इकट्ठे करके इस तरह से बंडल वगैरह बनाए जाते हैं। तो इस तरह से यानी कि उसका आता है एक माल। सी सी भाई कह रहे हैं काम बहुत हार्ड वर्किंग। हाँ तो मतलब के दाम कम है। दाम कम, तो मतलब के भाई कह रहे हैं अनाज कम है, मतलब के काम बहुत है, मतलब के इसको काटा भी जाता है, बांधा भी जाता है और यहाँ पर इकट्ठे करके वहाँ पर तय लगाया जाता है। तो भाई धन्यवाद आपका।